लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा तेनी बुधवार को पलिया के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित जनता दरबार में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सांसद ने फरियादियों की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को मौके से ही फोन लगाते हुए मामले की जांच कर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। सांसद अजय मिश्रा तेनी ने कहा कि प्रदेश सरकार व उनकी प्राथमिकता जनता को न्याय दिलाने की है। युवा भाजपा नेता अचल मिश्रा पाले ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि तहसील के कुछ अधिकारी अभी सरकार की मंशा अनुसार कार्य नहीं कर रहे, अगर उनका यही रवैया रहा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सांसद के जनता दरबार में दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का सांसद ने निस्तारण कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद में सांसद जी का इस पलिया नगर में पहला जनता दरबार है, और इस जनता दरबार में सरकार बदलते ही प्रशासनिक अधिकारी आज सारे मौजूद रहे, जिनको सांसद जी ने ये हिदायत दी कि अभी लालपुर ग्राम में जो अग्निकांड हुआ है उसमें जितने लोग बेसहारा हुए हैं, जिनके घर जल गए हैं, उनकी एक सूची बनवा करके तत्काल उनको घर उपलब्ध कराया जाए, राशन उपलब्ध कराया जाए, और जो भी सरकार से आर्थिक सहायता मिल सकती है वो उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी हिदायत दी पुलिस के आला अधिकारियों को कि अपराधियों का कोई वर्ग नहीं होता है और अपराधी किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, अपराधियों से कड़ाई से निपटा जाए, और जितने भी वादकारी हैं या समाज का जितना भी कमजोर और निर्बल वर्ग है उसको अतिशीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि इस कार्य में ये अधिकारी सफल रहते हैं तब तो यहाँ इस तहसील के अंदर, इस तहसील क्षेत्र के अंदर ये रहेंगे, अन्यथा इनका भी कोई ना कोई विकल्प ढूंढा जाएगा। देखिए, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सांसद जी द्वारा और यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा जैसे हर माह में एक जनता दरबार का आयोजन होता है, उसी तरीके से जनता दरबार का आयोजन किया गया है। क्योंकि हमारी सरकार है तो हमारी प्राथमिकता है कि लोगों की शिकायतों का निस्तारण हो, इसलिए यहाँ पर हमारे जो विभिन्न विभागों से कर्मचारी बुलाए गए, हमारे उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, इन लोगों को बुलाकर सांसद जी द्वारा कहा गया कि जो भी जनता की समस्याएं हैं इनका निस्तारण त्वरित किया जाए और जल्द से जल्द जनता को जो भी न्याय मिल सके। जो अपराधी छप के लोग हैं उन लोगों को कतई ना बख्शा जाए, वो चाहे जो भी कहें, और उनको किसी भी प्रकार का संरक्षण हमारी पार्टी द्वारा भी नहीं दिया जा रहा है। और हमारी साफ मानसिकता है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता है, कि हम स्वच्छ सभी के साथ कार्य करना चाहते हैं, और हमारा काम जो है ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है। 18 घंटे हम लोग बिजली दे रहे हैं और किसानों की आय गेहूं के क्रिकेन जो लगे हुए हैं, इसी प्रकार से कई अन्य क्षेत्रों में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आज ये कार्यक्रम हुआ, इसी प्रकार से हमारी जनता से संपर्क हम लोगों का बना रहेगा और 2019 का चुनाव हम लोग इसी भांति उत्तर प्रदेश में जीतेंगे।